सो माइनक्राफ्ट बट लिव्स गिव्स मी ओपी आइटम। आज का ये काफी अच्छा मोड है एंड काफी अमेजिंग मोड होने वाला है। हम इसमें पत्तियों को तोड़ेंगे एंड उससे हमको मिलेगी बहुत अच्छी अच्छी चीजें, जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर। बाकी गाइस आपको क्या लगता है इस मोड के अंदर हम क्या करने वाले हैं? तो इस मोड के अंदर हम मरने वाले हैं एंटर द ड्रैगन को, यस उसी चमगादड़ को। बाकी जिंदगी में कुछ रंग भरते हैं एंड ये गाइस शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। बाकी देखो ये वीडियो काफी एपिक होने वाली है। सो या लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में बने रहना ठीक है। बाकी हम बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं। देखो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं सो मैं पेड़ों को तोड़ना चालू कर देता हूँ एंड लिटरली मैं पेड़ों को बहुत ही बहुत मतलब बारीकली तोड़ता हूँ। मतलब मेरे को उनके पत्तों से निचोड़ अच्छी अच्छी अमेजिंग अमेजिंग चीजें चाहिए थी। सो मेरे को तो बहुत सारी चीजें चाहिए थी क्योंकि मेरे को एंडर पोर्टल भी ढूंढना है, मेरे को नेदर में भी जाना है एंड मेरे को तो आई थिंक सो मेरे को बिना नेदर में जाए ही मेरे को एंडर पोर्टल ढूंढना है। सो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा गाइस। तो देखो अभी फिलहाल यहाँ पे लकड़ी उठा लेता हूँ कुछ, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को सारी चीजें गोल्ड की मिल रही थी एंड यार ज्यादा से पहले कुछ खाना वगैरह भी इकट्ठा कर लेना। तो यहाँ पे मैंने खाना इकट्ठा किया एंड यस यहाँ पे पहुंचा फाइनली मेरे को ओके पत्तियों से काफी बड़ी बड़ी चीजें मिली, मतलब डायमंड की चीजें, डायमंड की, यस काफी मजा आ गया गाइस ये चीज देख के। सो मैंने सारे की सारी पत्तियों को माइन किया एंड यहाँ पे अमेजिंग अमेजिंग एंड तगड़े तगड़े आर्मर एंड स्वॉर्ड वगैरह अपने गैलरी में अपने इन्वेंटरी में मैंने उसको स्टोर किया। तो उसके बाद अभी अब मैं तैयार हो चुका था पूरी तरीके से फाइट लेने के लिए, बट नहीं अभी भी बहुत सारी चीजें रह रही थी। लाइक मेरे को चाहिए होता आई ऑफ एंडर जिससे मैं पोर्टल को ढूंढ पाऊंगा एंड उसके साथ साथ मेरे को चाहिए था एक एंडर पल, कुछ बहुत एंडर पल। तो एंडर पल को क्या करेंगे, हम थ्रो करेंगे एंड बहुत सारे डिस्टेंस को तुरंतली मतलब ऐसे सर्वाइव कर सकते, मतलब समझ सकते हो एंडर पल का कहां यूज होता है। तो बहुत देर तक ऐसे ही मैंने माइंड करता रहा एंड मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी यहाँ पे इकट्ठी कर ली एंड गाइस बहुत देर माइंड करने के बाद मुझे यहाँ पे एक जॉम्बी मिलता है एंड मुझसे गले मिलता है गाइस, लेकिन वो अकेला नहीं आया था, वो अपने पूरे परिवार को लेके आया था। भाई क्या चल रहा है, मेला लगा है क्या? देखो गाइस कितना फेमस हो गया है तुम्हारा एमएसआरजे गेमिंग गाइस, अभी रजित गेम्स हो गया वैसे। चलो खैर कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है काम देखो। बाकी यहाँ पे मेरे को मिले बहुत सारे एंडरपल एंड मैंने उनसे बना लिया यहाँ पे आई ऑफ एंडर। सो उससे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उससे पोर्टल ढूंढूंगा। सो लिटरली गाइस अभी यहाँ पे मेरे को सारी अपनी काम की चीजें मिल चुकी थी एंड मेरी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। नाउ अभी मैं जैसे ही आई ऑफ एंडर को फेंकता हूँ एंड मैं उसको बहुत दूर तक फॉलो करता हूँ एंड यहाँ पे एंडरपल का यूज करता हूँ मैं उसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि एंडरपल से डिस्टेंस कवर बहुत जल्दी हो जाते हैं ठीक है। एंड इस तरीके से भागते रहा एंड भागते भागते काफी दूर निकल आया था एंड गाइस लिटरली बहुत देर बहुत दूर निकलने के बाद मेरे को यहाँ पे कुछ चीज याद आया। जैसे कि देखो भाई अभी वहां जाएंगे तो हमको कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स भी चाहिए होंगे। सो मैंने सोचा कि चलो ना क्यों नहीं, रास्ते में ही है तो हम थोड़ा डर्ट वगैरह इकट्ठा कर लेते क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर हम डर्ट को यूज कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से इस सब चीजों को इकट्ठा करने वाला हूँ एंड गाइस डर्ट को मैं यहाँ पे इकट्ठा कर लेता हूँ एंड गाइस उसके बाद मैं यहाँ पे एक और फेंकता हूँ एंड उसके बाद जैसे ही फेंकता हूँ ना गाइस आई ऑफ एंडर को तो वो यहाँ पे टूटता है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या मालूम पीछे एक बार फेंके देखता हूँ, क्या मालूम आसपास में ही हूँ या फिर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था। सो फिर मैं जैसे ही पीछे पलट के आई ऑफ एंडर को ऐसे मतलब फेंकता हूँ ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो वापस रिटर्न आता है। तो फिर मेरे को पता चल जाता है यार लोकेशन आसपास में, फिर मैं माइंड करना शुरू करता हूँ एंड गाइस डीपली बहुत गहराई पे मतलब माइंड करते जाता हूँ एंड गाइस जैसे ही मैं माइंड करता हूँ ना नीचे जाके एक केव के अंदर गिरता हूँ, काफी तगड़ी केव होती है ठीक है। तो उसके अंदर जैसे मैं गिरता हूँ ना गाइस तो क्रीपर मेरा स्वागत करता है। यस यार मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है ठीक है, मेरी किस्मत बहुत ही बेकार है। सो क्रीपर यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहा था। बाकी चलो गाइस यहाँ पे क्रीपर को मारता हूँ एंड मेरे को ढूंढना था पोर्टल ठीक है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज वीडियो काफी लंबी हो रही थी ठीक है। सो मेरे को जल्दी से जल्दी पोर्टल ढूंढना था। तो मैं यहाँ से बहुत तेजी से बहुत सारी चीजें माइंड मतलब करने लगता हूँ, जैसे कि कुछ बहुत ब्लॉक इकट्ठे करता हूँ एंड बहुत देर तक भागता हूँ, ज़ॉम्बीज़ से फाइट वगैरह लेता हूँ एंड इसके अंदर इस केव के अंदर मेरे को वो पोर्टल जल्दी नहीं मिलता, लेकिन फाइनली पोर्टल मिल जाता है एंड मैं उसको स्टार्ट भी कर लेता हूँ एंड ये रहा अपना पोर्टल गाइस, देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। नाउ गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं एंड इसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या होने वाला है गाइस। इस मोड के अंदर हम मारने वाले हैं एंडर द ड्रैगन, यस उसी चमगादड़ सी दिखने वाली चीज को। बाकी यहाँ पे सारे के सारे जो भी क्रिस्टल है वो मैं फोड़ लेता हूँ बिकॉज उससे उसको पावर ना मिल पाए। बाकी यहाँ पे एक बच रहा था एंड मैं उसको भी फोड़ देता हूँ एंड उसके बाद अब बारी आती है हमको फाइनली एंडर ड्रैगन को खत्म करने का, एंडर ड्रैगन को बीट करने का। एंड नाउ गाइस मैं काफी एक्साइटेड था एंड मैंने चालू कर दिया एंडर ड्रैगन की हंटिंग। यप गाइस काफी मजा आ रहा था एंड ये देखो एंडर ड्रैगन कितनी जल्दी मरा था। बाकी यार यहाँ के कुछ एंडरमैन जो है ना काफी नाराज थे मेरे पे, पत्थर लेके मेरे को ढूंढ रहे थे मारने के लिए, यार क्या मजा के। बाकी यहाँ पे यार एंडर ड्रैगन को मैं बहुत तगड़ी तरीके से मारने वाला हूँ एंड बस एंडर ड्रैगन फिनिश है गाइस, एंडर द ड्रैगन फिनिश है भाई, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता भाई। बाकी यहाँ पे फाइनली गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने
एंटरटेनमेंट को बीट कर दिया। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड यस गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, पिछले वाले वीडियो पे काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया, बाकी ऐसी और मोड्स आते रहेंगे। सो उसके लिए क्या करना है, रेड बटन को करना है ग्रे, आई थिंक सो अभी ग्रे नहीं होता, सब्सक्राइब कर दे।